हर एक्टर को जो भी चाहता कलाम उसको जगह दीजिए, उसके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय क्यों नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो ये हम लोग सरकार से पूछेंगे, ये सरकार हमारा सबका ही, हम सब बातचीत बिल्कुल बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे एक्टर बनने के लिए आ रहे हैं या बन रहे हैं, इन प्रोसेस में है, तो आपका जो अस्मिता का जो फोकस है इनको जो तैयार करने के लिए, ये सब तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ओके, उसके बीच में ही है। ये फोकस के ऊपर आपका कितना, मतलब वो काम कितना परसेंट है और ये काम कितना है? 100% ये एक्टर के साथ काम करना, नुक्कड़ नाटक करना, मंच के नाटक करना, उसको ट्रेनिंग देना, ये हमारा 100% काम है। ये जो बातचीत हम करें कल्चर पॉलिसी और अपने जो अन्य बात करें, हमारी अक्सर ऐसी बातचीत में ही आती है कि कोई हमारे पास और मंच नहीं होता जहां बातचीत सुनी जाए। हम ये बताना कि भैया एक्टर के लिए बहुत पैसा लेकिन उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, एक्टर की समस्याएं ये क्यों है, ये बहुत लार्जर इशू है, उसी का इफेक्ट है कि अभिनेताओं को इतना संघर्ष करना पड़ता है, है ना। और लेकिन हमारा, हम जानते हैं कि सिर्फ बात करने से नहीं होगा, हम कहें जी ये बंद हो जाए, कल ग्रांट पर चेक होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम अस्मिता थिएटर ग्रुप ने, हमने पिछले 30 सालों में हमने सिर्फ बातें नहीं की हैं, हमने काम किया है। जो हमको लगा है कि अरे ऑडिटोरियम नहीं है, कोई बात नहीं, हम छोटा ऑडिटोरियम बनाते हैं, हमने बनाया हमारे दिल्ली में अपना छोटा ऑडिटोरियम है। हमने लगा तो एक स्पेस की जरूरत है रिहर्सल की, हमने दिल्ली में बाकायदे एक जो है बड़ा स्पेस क्रिएट किया जहाँ हमारे पास 4 ऑडिटोरियम्स हैं, जो रिहर्सल स्पेस है, एक लाइब्रेरी है, एक्टर्स के बैठने के लिए जगह है, हमने क्रिएट लाइब्रेरी से लेकर सब चीज़ क्रिएट की। हमें लगा यहाँ करना है, हमने यहाँ पर क्रिएट किया। तो हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने उसके लिए काम किया। जो सवाल हम लोगों से करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, उससे पहले हमने खुद उन समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश की कि हम अभिनेताओं से लेकर उनके ट्रेनिंग पे काम किया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो मंच पे जाएं, इसकी हमने कोशिश की। हम नए पहलू तलाश के थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा काम अभिनेताओं की ट्रेनिंग का है। और दूसरा जो आप ने कहा कि हम कैसे करते हैं, कि अभिनेता जो हमारे पास आते हैं वो ज़्यादा सपना लेकर आते हैं कि हमें ग्लैमर वाली दुनिया से सपना लेकर आते हैं। कोई नाटक करने के लिए अब वाली पीढ़ी नहीं आ रही है। आज से 15 साल पहले शायद वो कुछ होते थे कि हमें नाटक ही करना है, अभी शायद 4-5 प्रतिशत ही होते हैं जो जिंदगी में नाटक करना चाहते। नाटक रोजगार नहीं दे रहा है, जब रोजगार देने लगा तो हो सकता है कि 50% 60% जिंदगी भर नाटक के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें जो सुकून है वो पीछे भागने में और इंतजार में और ऑडिशन में रिजेक्ट होने के उसमें तो नहीं है। तो ये हमने शुरू किया कि हम उसको, अभिनेता को प्रशिक्षण दें, उसके जो सपने हैं उन सपनों को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, तो हम उनके सपनों के साथ जुड़ जाते हैं और सपनों को जुड़ने के लिए उनको एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है कि अभिनेता जो आते हैं वो ज़्यादातर स्कूली पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई से आते हैं, और वो अक्सर जो है कॉलेज स्कूल में ढंग से चीज़ों को नहीं जानते हैं, ना उनको समाजशास्त्र का ज्ञान होता है, ना भाषा विज्ञान का होता है, ना नागरिक शास्त्र का होता है, ना इतिहास का होता है। वो सब अभी पिछले 10 साल की पीढ़ी तो ज़्यादातर जो है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से आती है। तो वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसको किताबों की तरफ वापस आना, किताबों की तरफ और खुद की उसकी कहानियों की तरफ जो उसकी अपनी ज़िंदगी में है, कि ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, आप जैसे निर्देशन करते हैं या कहानी लिखते हैं, कुछ भी लिखा जाता है ज़िंदगी से आ रहा है, तो वापस हम उसकी कहानी की तरफ खुद करते हैं कि आप प्रारंभ से पढ़िए, पढ़ना सीखिए, जानिए और ज़िंदगी की किताब को भी पढ़ना जानिए, क्योंकि जब वह ठीक से देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, सोचना प्रारंभ करेंगे, तो वहाँ से अभिनय उनका प्रारंभ होगा। तो वो हम सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देते, उससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी शिक्षा देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग के स्तर पर काम करना, बौद्धिक स्तर पर और उनके शारीरिक स्तर पर, और उसके अलावा उनका जो स्पिरिचुअल की जो उनको कि भाई आपको अपने को प्योर बनाना सीखिए, जो आप बाहर हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बाहर वैसे रहिए, ज़िंदगी में अपने चरित्र को डबल मत कीजिए, और ज़्यादा ज़िंदगी को समझने का तरीका ये होता है कि आप बहुत ही सहज रहिए, आपको अगर रोना आता रो लीजिए, गुस्सा आ रहा गुस्सा कर लीजिए, आपको मन कर रहा है कि चुप रहना चुप रह लीजिए, लेकिन ज़िंदगी को सहज रूप से ही लेना चाहिए, ओढ़ कर मत चलिए। तो अभिनेता को पहले सबसे पहला हम वही कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर उसका प्रशिक्षण शुरू होता है, छोटे छोटे नाटक होते हैं, गलतियाँ होती हैं, जैसे बच्चा चलना शुरू करता है, लुढ़कता है, चलता आगे, तो हम
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वो व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले कि वो दर्शकों के सामने जाए। व्यवहारिक रूप पर मतलब प्रैक्टिकल हो तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मतलब मोस्टली आप साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा करते हैं कि फिजिकल भी, मतलब ऐसे मतलब उसके डिटेल्स के जो लेयर्स हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉ टैलेंट आया, मतलब अभी एक है, आप उस रॉ टैलेंट को कितने लेयर्स में ऐड करते हुए, मतलब प्रोसेस जो होती है कि अपनी ज़रूरतें होती हैं। जी जी जी, अब ये नहीं कह सकते कि हम जो है, देखिए अभी हर अभिनेता अपने शरीर पे काम करना जानता है, सब पता है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कर पाएंगे। हमारे समय में जिम भी नहीं होते थे, हमारे समय तो मैदान होते जहाँ पर हम दौड़ते थे, भागते थे, घर की छतें होती जहाँ हम एक्सरसाइज करते थे। अभी अभिनेता उससे पहले ज़्यादा सजग है, अपने व्यक्तित्व को, बाह्य व्यक्तित्व को विकास करने बहुत ज़्यादा ये पीढ़ी बहुत सजग है। चॉइस कपड़े से लेकर बालों से हर चीज़ में है, समझ बहुत ज़्यादा है जो मेरी पीढ़ी में नहीं थी। हम उनके साथ जो उनको ज्यादातर उनको दिमागी स्तर पे कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकली कि वो जाने पढ़े, अपने आप को जाने। जब हम अपने आप को जानेंगे तो हम समाज को जान पाएंगे, और समाज को जान पाएंगे तो पूरी दुनिया को जान पाएंगे। तो हमारे और उसमें हमारे क्यों होता है, क्योंकि ये पीढ़ी जो आ रही है, ये पीढ़ी मेरी पीढ़ी से अलग है, और मेरी पीढ़ी ये पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बीच की है, जहाँ हमने पिछली पीढ़ी के बीच संस्कार हमारे पास हैं, अगली पीढ़ी की चुनौतियाँ भी हमारे पास हैं कि हमसे ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को, टेक्नोलॉजी, तो हमें इनकी से भी तालमेल करना है। तो हमारे पास ज़्यादा चुनौतियाँ, तो उस चुनौती के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है और अच्छा खासा काम करना पड़ता है। जो इनके लिए सहज हो हमारे लिए वो चैलेंज है। तो अब इनके जो सहजता है हमारे चैलेंज है, तो उसके बीच में जो ब्रिज बनाया जाता है, जो इनके जिन माध्यमों से ये पीढ़ी से ज़्यादा परिचित है, उन माध्यमों के साथ हम कैसे तालमेल करें, वो सबसे बड़ा हमारी चुनौती होती है कि बताने की ये करना। और उसके लिए हमें अपडेट रहना पड़ता है कि सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तो सबसे बड़ा कि अभिनेता के साथ डायलॉग करने के लिए, उन्हीं की चीज़ों के साथ चलते हुए हम उनको समझाने के लिए तमाम माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, और उनको बताते हैं कि आपने अगर सपना देखा तो उसको पूरा करना आपका काम। वो माध्यम क्या है, वो माध्यम जो आप बनाते हैं वो बताइए और ज़्यादा डिटेल में, ताकि और ज़्यादा लोग समझ। माध्यम ये कि हम उनको पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है, कि आप जो है किताबें पढ़िए, आप उन किताबें जो पढ़ते हैं उसको कहना सीखिए, आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को कहना सीखिए, अपनी बात को कहना सीखिए। यानी जैसे हम करते हैं कि आप अपना, जैसे कोई अभिनेता है कि अपनी बात बताओ, कि अपने बारे में बताइए, अक्सर हम अपने बारे में 5 मिनट बताएंगे, या आपने जो 25 साल की जिंदगी जी ली है 5 मिनट तो नहीं है ना। तो जब अपने बारे में जब हम बताना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो खुद को एक्सप्लोर करने के बाद हमें अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है, अपनी वीकनेस पता लगती है। जब हमें अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पता है तो हमें काम करने का सलीका ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले अभिनेता के साथ यही होता है कि अपनी ताकत को जानना, अपनी कमजोरी को जानना, ताकि कमजोरियों को दूर करें, ताकत को मजबूत करें। ये बहुत इंटरनल प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई हमने कह दिया हो गया, ये लगातार करना पड़ता है। मैं खुद अपने साथ करता हूँ कि अगर मुझे लगता है मेरी कमजोरी है कि तो मुझे ये समय का पालन करना है, मान लीजिए कि मुझे ये होना है, तो मैं उसके लिए फाइट करूँगा। मुझे कि अगर मुझे रात को 3 बजे मैं सोता हूँ तो मुझे जो है 6 बजे 6:30 7 बजे करना है, उसके बाद मुझे अगला दिन तैयार करना है, ये मेरी इंटरनल फाइट है। तो इसके लिए मैं खुद को मतलब दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से तैयार करूँगा। तो ये हमारा इंडिविजुअल प्रोसेस है, और अभिनय जो है बहुत इंडिविजुअल प्रोसेस से ही आता है, बाहर से नहीं आता है कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। जब तक उसको समझ के प्रैक्टिकल नहीं करोगे, समझाओगे नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। और मैंने बोल लिया, मालिक आषाढ़ का दिन की अंबिका है, ठीक है, हमने कह दिया ये माँ है, बेटी की चिंता है, ये चीज़ है, स्क्रिप्ट से उसको कितना मिलेगा, वही मिलेगा जो टैक्स है। लेकिन उसके परे क्या जाएगा, उसे परे अगर जब तक वो एक्ट्रेस तलाश नहीं करेगी वो क्या है, जब उस एक्ट्रेस को अपने को रिलेट नहीं करेगी और सोच उसके साथ अपनी जिंदगी कहानियाँ क्या है, या अंबिका जो है अपनी बेटी को लेकर इतना क्यों चिंतित है, क्यों कालिदास पर उसको भरोसा नहीं है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। जब उसका रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता नहीं बनता, तो माँ की क्या चिंता, जो बेटी को नहीं है उसको क्या चिंता, उसके कालिदास को लेकर उसको जो बातचीत हो रही है, तो माँ की जो चिंता है वो तब आएगी जब वो अंबिका करने वाली जो लड़की है वो जानेगी, उसने अपने आस पास अपनी सहेलियों की माँ को देखा होगा या अपनी माँ को देखा होगा, उनकी उनको समझने की जब कोशिश की होगी चिंता, तब वहाँ तक उस पॉइंट तक पहुँचने की थोड़ी कोशिश हो सकती है। एक्टर क्राफ्ट हो सकते हैं और क्राफ्ट एक्टर बहुत है हमारे पास।
क्योंकि हम जब करते क्राफ्ट सीख लेते हैं, ये करे वो करे, ये करे अबे ऐसे कर ले वो कर ले, अबे घुस जाए कर ले, करेक्टर में क्यों नहीं पड़ा, ये नहीं कर रहा, अबे ये सब बहुत ये क्राफ्ट की बात है। जब हम चरित्र में आगे जाएंगे तो साइकोलॉजी, आपने कहा साइकोलॉजिकल सबसे महत्वपूर्ण है, जब तक हम उसको अपने से कहीं रिलेट करके अपनी सोसाइटी में कहीं के रेलिवेंस या उसके रेफरेंसेज नहीं ढूंढेंगे, कितना भी कर लिया आप टेक्निकल कर जाएंगे। और अभिनय टेक्निकल नहीं होता, अभिनय जो होता है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके दिल तक नहीं पहुँच पा रहा है तो नकली है। कितना मर्जी आप बड़े एक्टर हो, आपको उसको समझना पड़ता है, समझ कर फिर समझाना पड़ता है। और कोई भी चरित्र है से कुछ फॉर्मूलों पे नहीं होता कि ये कह दिया कि हमने कि कौन क्या कब कहा, ये भेड़वाड़ जो ये सब, ये बहुत इससे बहुत आगे है, ये प्रारंभ है। तो इसके लिए नीम खोद कर, जितनी गहरी आप नीम खोदेंगे वो ज़्यादा मजबूत बनेगी। और एक बात मैं हमेशा अभिनेताओं से कहता हूँ, जो प्रशिक्षण की बात है, जो कि जब आप वर्कशॉप करते हैं उस समय सबसे अच्छे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं, उसके बाद क्या है, एक खिलाड़ी वाले जो 100 मीटर की रेस दौड़ता है तो 100 मीटर के लिए वो कितना दौड़ता होगा रोजाना, जो 15 से 20 किलोमीटर। एक गायक है, एक गायक जो है 15 मिनट का जो है मतलब जो प्रस्तुति दे रहा है, उसके लिए रोज 4 से 5 घंटे रियाज करता है। या नृत्य डांस है जिसकी 10 मिनट की परफॉर्म है, उसके लिए रोजाना 5 से 6 घंटे रियाज होता है। क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होती है, बड़े बड़े खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करते हैं। फिर अभिनेता ही क्यों है कि अपना काम, अपना जो प्रशिक्षण है, खुद का जो प्रशिक्षण है, जो खुद की जो ट्रेनिंग है, जो उसने ली है, उसको बंद कर देता है और उसकी सिर्फ एक तलाश होती है, काम की तलाश। और अपनी पूरी ताकत जो काम तलाश करने में लगा देता है चीज़ों में, इसके लिए निसंदेह बहुत सारे हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं बना पाए। लेकिन अभिनेता को तो अपना काम बंद नहीं करना चाहिए ना, आप सिर्फ काम तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिस काम के लिए आप तलाश कर रहे हैं वो काम तो आपसे छूट रहा है। आपने अगर 2 साल पहले थिएटर कर लिया, 4 साल नाटक कर लिया, 5 साल कर लिया, लेकिन जब आप अभ्यास से अभ्यास अलग चला गया तो आप बहुत सारे चीज़ें न्यूएंसेस बहुत सारी चीज़ खो देते हैं। तो ये अभिनेता को जो अभिनेताओं को जो एक खुद को ग्रांटेड लेने की जो प्रवृत्ति है जो बहुत लोगों में होती है, अभिनेताओं की सबसे बड़ी फाइट हुआ है। बड़ी बड़ी बातों से सबसे निचोड़िए कि जैसे नेट प्रैक्टिस करता है क्रिकेट खिलाड़ी लगातार करता है, ऐसे ही अभिनेताओं को अपने ऊपर लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। मैं लगातार पढ़ता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने जो है 7-8 साल जो है जब मेरे वक्त मैं पत्रकारिता कर रहा था कुछ बहुत, मैं लाइब्रेरी के अंदर जो है रोजाना 5 से 6 घंटे दिए, पढ़ा मैंने, पूरी दुनिया में घूमा, मैंने जो है हार्वर्ड के अंदर भी वर्कशॉप किए, मैंने सिडनी के अंदर वर्कशॉप किया है, नॉर्थ पोल में जाकर वार्थोस्को में भी नाटक किया है, यूरोप के अंदर नाटक किया है, यूएई में तो बहुत नाटक किए हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जो जहाँ पे मैंने, सबसे बड़ा जो मक्का मदीना है हमारे रंगमंच का, कलाओं का, एडिनबर्ग, वहाँ मैंने फेस्टिवल के अंदर मेरे 18 परफॉर्मेंस वहाँ पर मैंने किए हैं। तो मैंने सब कुछ पूरे दुनिया को देखा है, लेकिन दुनिया को देखते हुए भी एक मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी भाषा में मैंने लोगों से बात की है, इसी देसीपन के साथ, इसी अपने, मैंने कोई दिखावा नहीं किया, मैंने अपना कोई अंग्रेजी एक्सेंट नहीं सुधारा, तो मैं नहीं सुधार सकता, मैं उसे ताकत क्यों लगाऊंगा, मेरी ताकत में पढ़ूंगा ना, मैं जानूंगा ना, क्योंकि जो मेरे पास अपनी जो है उसी में मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं नकली नहीं हो सकता हूँ। तो जो मैं था उसी में ग्रोथ करते करते मैं आगे बढ़ा। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों है तो मैं पूछूंगा। मेरे पास नाटक देखने के लिए एडिनबर्ग के अंदर पैसे नहीं थे, मैं जो है अलग अलग वेन्यूज़ पे गया, मेरा नाटक होता था उसमें 3 घंटे का मेरा था, 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में, बीच में नाटक होता था, मैं नाटक बाद खाली होता था रात को 12 बजे और सुबह 9 बजे से। तो मैं अलग अलग जगह जाकर कहता कि मुझे नाटक देखना है, भले कि 12 पाउंड टिकट है, 15 पाउंड टिकट है, तो उनको कहता मैं आपके लिए काम कर दूंगा। मैंने अश्रिंग की मतलब लोगों को बैठाने काम किया और नाटक देखे क्यों मुझे करना था। और ऐसा इसकी मैं कोई मुझे संघर्ष की गाथा ही नहीं है कि मैंने चने खाकर संघर्ष किया या मैंने यहाँ पर समुद्र किनारे में सोया या मैंने ये किया। ये सब कहानियाँ हर एक के साथ है और होनी चाहिए आपकी, लेकिन वो कहानियों से आगे आप कितना बढ़े हैं, आप उन कहानियों से आपने दूसरे के दर्द को कितना समझा है। आपने तो कर लिया, आज आपके पास जो है मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो समुद्र किनारे जो पटरी पर सोए, जिन कहानियाँ हैं आज उनके पास जो 1000 करोड़ रुपये हैं, इस बम्बई की कहानियाँ, उन्हें अपने 1000 करोड़ रुपए के साथ जो है उसमें से 1000 रुपए भी किस नए अभिनेता को के लिए उसके लिए भी खर्च किए, या नए अभिनेताओं के लिए कहीं पर कुछ आगे की योजना बनाई कि भाई देखिए मैंने ये संघर्ष किया, नए आने वाली पीढ़ी संघर्ष ना करे, चलो भाई चलो ऐसे करो,
चलो मैं आपको जो है महीने में 7 दिन मैं ऐसे जो है ऐसे लेक्चर देता हूँ, संग अपनी कहानियाँ मेरा अनुभव सुनाता हूँ, चलो आओ करिए। नहीं हुआ ठीक, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव से उसको बीचा बीचा। हाँ, ये मैं इस बात पे आपको ऐड करना चाहूँगा कि जितने लोगों ने बहुत मेहनत करके कुछ बनाए हैं उन्होंने उसको मतलब जो उनकी जो स्ट्रगल रही है उसको सुधारने के लिए दूसरों के लिए कुछ नहीं किया है। अगर किया भी होगा तो बहुत गिने चुने लोग होंगे। चंद लोग हैं, चंद लोग होंगे, लोग कर रहे हैं और इसमें करना चाहिए। इवन आपकी भी आने वाले टाइम में जब आप कुछ कर लोगे तो आप भी बिल्कुल ध्यान रखना कि नए पीढ़ी को उतना ज़्यादा स्ट्रगल करना ना पड़े, आप भी थोड़ा कुछ करना। तो अभी मैं सर की एक बात में बातें थी कि आपने बहुत सारे वेस्टर्न्स और अलग अलग जगह पे जाके प्ले किए, सब कुछ किए, और आपकी जो प्ले है आप जो करते हैं, अस्मिता जो करता है अपनी एक यूएसपी के साथ, वो साइकोलॉजिकल करता है कुछ फिजिकल भी करता है या दोनों का मिक्सचर है। अभिनेता की जो जरूरत है ना, हाँ, जो मतलब अगर मुझे कुछ भी करना है तो मैं वो सब करता करते हैं। तो वेस्टर्न जो है बहुत सारे अप्रोचेस हैं, इंडिया में भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं एक्टिंग को लेके, और एक सीधा सीधा तरीका भी है, क्राफ्ट है कि आप उसको अप्रोच अप्लाई कर लो, ये अप्रोच अप्लाई कर लो, उसकी भी डिटेल्स बहुत होती हैं, ऐसी नहीं है कि बहुत सीधी बात है। लेकिन आपकी अस्मिता और आप किन अप्रोचेस के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, या उन चीज़ों को लेके आपकी रवैया कैसी, जैसे आप मान लीजिए कि स्टेला एडलर जी की जो मेथड एक्टिंग की थ्योरीज है, चाहे आप स्टैनिस्लावस्की की थ्योरी हो जाए, चाहे आप अलग अलग जो एरिक मूरिस की थ्योरी है, माइजनर टेक्निक है, बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं, इन सारे टेक्निक्स को आपने कुछ सीखा है कि इनको मानते नहीं, या मानते भी हैं तो आप कितना परसेंट किसको कुछ करके आपका ये अलग स्ट्रक्चर तैयार किए हैं या किसी के साथ रिलेट करते हैं, आपकी जो टेक्निक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को आप सिखाते हैं। ये सवाल जो है मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण इसलिए कि जो आने आपकी जो पीढ़ी है उसमें इन सवाल से जूझती है कि हम क्या तरीका अपनाएं। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने दुनिया भर के लोगों को देखा सुना पढ़ा, और जो आपने नाम लिए उनसे आगे मैंने और भी पढ़ा। मैंने बर्थोल्ड ब्रेक्ट एलिनेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण है अभिनेता, वो सबसे महत्वपूर्ण जो बर्थोल्ड ब्रेक्ट ग्रोथोवस्की, उससे आगे पीटरबर्ग का तक मैं पहुँचा। और मेरा सौभाग्य है या मुझे कही कि मेरी जिज्ञासा थी, जब मैंने पीटरबर्ग का महाभारत के बारे में पढ़ा, जब मैंने 80s के अंदर पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस आदमी से मिलना है। और मैं बहुत साधारण किस्म के परिवार से हूँ, तो हमने मतलब घर से लाइब्रेरी तक आने के लिए भी कई बार हम पैदल चलते थे। वहाँ एक लड़के ने सपना देखा मुझे पीटरबर्ग से मिलना, और वहाँ उसको पीटरबर्ग से मिलने के लिए सब कुछ पढ़ डाला, और पीटरबर्ग की महाभारत का मेकिंग महाभारत भी पढ़ा, महाभारत के जो उस समय उपलब्ध चीज़ें थी वो भी देखी। और करते करते जब जैसे मेरा दुनिया का भारत से बाहर कैनवस खुला, तो मैंने जाना कि दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने बहुत सारे अनुभव वाले लोग हैं, चाहे भरत मुनि नाट्यशास्त्र से लेकर स्थानीय संस्कृति से लेकर बर्थोब्रेक ग्रोथवस्की और पीटरबर्ग तक, बहुत सारे एक बहुत लंबी परंपरा है हमारे जो हमारी पूर्व पीढ़ी है, जिन्होंने अपना विचार अपना अनुभव सब जो है उनको लिखने में करने में नई पीढ़ी को बताने में अपना समय लगाया। अब वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए जानना चाहिए, लेकिन सब कुछ मैंने जाना कि जब कुछ सब कुछ हो जाता है अंततः जो है काम आप ही आते हैं, कोई तकनीक मंच पर काम नहीं आती है, कोई चीज़ नहीं आती है, आपने जो अभ्यास किया होता है, आप जब मंच पर खड़े होते हैं ना वहाँ आप खड़े होते हैं, आपके पास कितना अनुभव है, कितने रेफरेंस है, कितना आपने किया है, वही काम आता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता है। अगर मान लीजिए आप एक गाड़ी चलाना सीखते हैं, एक अच्छा ट्रेनर आपको अच्छी गाड़ी चलाना सिखाएगा, एक जो है आपका दोस्त आपको अलग ढंग से गाड़ी सिखाने चलेगा, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे ना तो वहाँ पर ब्रेक और क्लच के बैलेंसिंग में नहीं पड़ेंगे आप, आपको पता लगे गाड़ी चलानी है तो आप उसको हाथ छोड़ कर फ़ोन सुनते भी चला सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ तकनीक के साथ साथ आपकी उस समय आपका ध्यान कहाँ पर है, उस समय आपका क्या है, तो एक्टर के लिए जो एक एक्टर जो इनर होता है समझ का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जो डेवलप करते हैं एक्टर कि अपनी जो ग्रोथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पीटरबर्ग की बात मैंने की, पीटरबर्ग ने एम्प्टी स्पेस नाम की किताब लिखी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ना चाहिए, और हम सब एम्प्टी स्पेस पर काम करते हैं, और एम्प्टी स्पेस पर हमेशा क्रिएशन होता है, एक खाली पन्ना पेज है उस पर आप एक एक पेन से एक लाइन खींच देंगे तो क्रिएशन हो जाएगा। आप ये जगह खाली है,
यहाँ पर कुछ खड़े होकर बोलने लगेंगे ये यहाँ क्रिएशन शुरू हो जाएगा। एक मंच खाली है, मंच पर आप जो है दो पैर मारेंगे कुछ करेंगे तो डांस शुरू हो जाएगा, क्रिएशन शुरू हो जाएगा। तो हमेशा हम जो भी प्रारंभ करते हैं वो एक खाली जगह पर ही क्रिएशन करते हैं। तो ये आप सब जो हैं, हम जब इस क्षेत्र में आए हम खाली थे, हमारे पास कोई बंधुमा नहीं था, हमने उसको क्रिएट करना शुरू किया। तो सब कुछ पढ़िए, सब कुछ जानिए, सब जानना चाहिए। आप जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैं ये रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, ये है ये, ऐसा नहीं है। आप भरत मुनि को भी पढ़िए, हो सकता है भरत मुनि को आप ना समझ पाए, उस भाषा को ना समझ पाए, लेकिन आप जानिए। क्यों जानने से आप फोक जो आर्टिस्ट हैं उनको भी जानिए, आप यक्षगान को भी जानिए, आप यात्रा को भी जानिए, आप स्वांग को भी जानिए, आप नौटंकी को जानिए, आप जो भांड परंपरा जो है उसको भी जानिए, सब जानिए। जानना जरूरी है। जानने के बाद आप ये नहीं कि मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा, ऐसा नहीं कि जैसे हम फैशन नहीं है कि मैंने नौटंकी जान लिया, मैं नौटंकी में नाटक कर लूँगा। आगे परंपरा नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, आप उसका जो है मजाक बना देंगे। तो ये कि आप जान लिए, लेकिन उसके जो चीज़ें ले रहे हैं आप उसमें अनकॉन्शियसली आपके साथ आती चली जाएंगी। जैसे मैंने सारी भारत की बहुत सारी फोक परंपराओं को मैंने अध्ययन किया, जाना समझा, यात्रा को देखने के लिए मैंने बड़ी यात्रा की नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और भी विधाओं के साथ मैं जुड़ा नौटंकी से। लेकिन जब हबीब साहब का जो है उनके जो फोक कलाकारों के साथ, ग्रामीण कलाकारों के साथ, हबीब तनवीर साहब, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते, जानना चाहिए नई पीढ़ी को। हमारे देश पिता में है रंगमंच के, जिन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक को पहुँचाया, और एडिनबरा के अंदर उनका चरणदास चोर, उनके जो कलाकार अंग्रेजी का शब्द नहीं जानते थे वहाँ स्टार थे। भाषा के जो टैलेंट का जो है, टैलेंट से भाषा कोई मतलब नहीं है, टैलेंट होता है, चाहे आप जो ना भी बोलें उससे भी। तो मैंने हबीब साहब के साथ भी देखा, लेकिन अगर मेरे काम को देखिए तो उसमें जो है हबीब साहब का फोक वाला मेरे अंदर एलिमेंट नहीं दिखाई देगा, और भी जो बहुत सारे टेक्निक्स हैं उनका नहीं दिखाई देगा। लेकिन यह सब अगर देखेंगे तो आप जो है एक नाटक, जिसके लिए हबीब साहब ने जिंदगी भर काम किया, पीटर ब्रू ने काम किया, एक नाटक दिखाई देगा। ऐसा नाटक जो बहुत ईमानदारी से बात कर रहा होगा, लोगों तक अपनी बात कह रहा होगा, क्योंकि नाटक से मनोरंजन नहीं मिल रही, नाटक से भी अभिनेता को प्रशिक्षण है, उसके साथ साथ उसको सामाजिक राजनीतिक रूप से एक सजग नागरिक बनाना भी मेरे थिएटर नाटक का लक्ष्य है, बहुत स्पष्ट रूप से है। इसलिए मैं एक्टर को जो मशीनी एक्टर नहीं बनाता कि मैंने ये कर लिए, वो कर लिए, वो कर लिया, ये ऐसे बिल्कुल नहीं। आप सब कुछ पढ़ो, सब कुछ जानिए, उसका तय कीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि हम अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से, अपने घर के संस्कार से, अपनी शिक्षा के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो ये हमारे साथ एक हमारे सोचने का तरीका बन जाता है, बिहेवियर बन जाता है, उसके बीच में काम किया। तो रिजेक्शन नहीं, आप उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। हम अभिनेताओं को बहुत ही व्यवहारिक प्रशिक्षण देते हैं, हमको किताबी कम, उनको व्यवहार में जा देते हैं, लेकिन सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं जानी हैं वो अपने आप ही जाने अनजाने आते। ये किसान होता है, किसान किताबें पढ़ के नहीं करता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो किसान को बता रहे होते हैं कि अच्छी खेती कैसे की जाए, उसका सिस्टम क्या, और उसका असर उसके काम पर आता है। तो हम सब इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को, अब समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन सब पर हमारी नज़र ज़रूरी है, वो सब हमारे अभिनय में आता है। हमारे सिर्फ जो है पहले हमारे रस सीमित थे, आज तो हमारे पास व्हाट्सअप रस नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदल गई हैं। पहले आप किसी भी ग्रंथ के अंदर आप देखेंगे, किसी ग्रंथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन नाम का शब्द नहीं है, कहीं भी कुंठा शब्द नहीं है। आज हम तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन, हमारे भाव इमोशन जो हमारे अंदर से हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, कि समय की तकनीक बदलती है, उसके व्यक्ति प्रभावित होता है। आज का अभिनेता बहुत सारे दबाव के बीच में, और अभिनेता के सीखने के पर्याप्त समाज में बहुत जगह, तो अभिनेता को ओपन रहना चाहिए, सब चीज़ जाननी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा पीटर ब्रूक की बात में, यानी कि पीटर ब्रूक से मुझे लगना था कि मुझे लगता रही कि मैंने पीटर ब्रूक बहुत पढ़ा, जाना जब पीटर ब्रूक को जाना, देखा कि उसने महाभारत कैसे किया था, क्या किया था, कि उसने महाभारत हम कहते हैं हमारा ग्रंथ है, लेकिन देखा उसने महाभारत में, उसमें सिर्फ भारत से एक अभिनेत्री थी उसमें, मल्लिका साराभाई, बाकी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक्टर लिए थे। तो उसको जब मैंने देखा, मुझे अरे ये इस तरह से भी कोई सोच सकता है। हमारा महाभारत भी उस समय टेलीविजन पर चल रहा था, हम उस महाभारत को भी देख रहे थे, जिसको एक जो है विदेशी निर्देशक उसको कंसीव कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हमारा महाभारत ये, देखो यहाँ पर ये होता, ये नहीं,
हमने उसको भी जाना, इनको भी जाना, और उसके बीच में देखा कि कहाँ पर क्या है, मैं कि किस चीज़ों से कहाँ ले सकते हैं, तकनीक है, चीज़ें, वो रंगमंच है, जिंदा आंखों से देखा गया परफॉर्मेंस है जहाँ अभिनेता काम कर रहे हैं। तो ये एक अपने को जितना आप ओपन रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने बर्थोल्ड ब्रेख्त का नाम लिया, बर्थोल्ड ब्रेख्त वो नाटककार थे जिन्होंने बहुत सारे सामाजिक सवालों को बहुत बड़े राजनीतिक सवालों से जोड़ा, समाज से जोड़ा, समाज से जोड़ा, आर्थिक सवालों को जोड़ा। तो वो जैसे उनका नाटक है द गुड पर्सन ऑफ सेट जोन या कॉकेशन चार्क सर्किल, ये और भी नाटक बहुत सारे, गैलीलियो, बहुत सारे नाटक, ये ऐसे नाटक है जिसने मेरी पीढ़ी को बहुत प्रभावित किया। और इतना कि उसमें हमें जाने कि नाटक का समाज में क्या प्रभाव हो सकता है। हबीब साहब के, तनवीर साहब की हमारे सोच ने प्रभावित किया, उन्हें समाज के साथ जुड़कर काम किया और समाज के साथ जुड़ किया। उनके अभिनेता भी बहुत छोटे छोटे आते थे, जगहों से आते थे, और वो हबीब साहब के साथ जो है बराबरी के से हबीब साहब उनके साथ रहते थे। तो ये जाने कैसे निर्देशक को, अभिनेता को कैसे काम करना चाहिए, उनका कमिटमेंट, उनका सिंसियरिटी और सोसाइटी के प्रति उनका जो एक विचार है वो मैंने लिया, बजाय कि मैं किसी का बिल्कुल वैसा वैसा मैं कॉपी बन जाऊँ। जो आपने कहा, ज़्यादातर लोग ए या बी या सी डी की कॉपी बनने की कोशिश करते हैं कि मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता नहीं। हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अलग एक्टर, अलग यूनिट है, तो उनके हिसाब से वो अपना विकास करेगा, उसका अपना तरीका तलाश करेगा। कोई शारीरिक रूप से अभिनय करता है, किसी का शरीर ज़्यादा काम करता है, किसी को इंटरनली चीज़ें करती हैं, कोई बहुत स्लो प्रकृति के अंदर, जैसे अलग अलग हमारे चीज़ें वैसे अभिनेता है। ठीक है जी। अभी मैं आपकी एक वर्ड यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, बदलाव। बदलाव के साथ भी बहुत कुछ, मतलब जैसे कुंठा नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, अभी बहुत सारे रस भी अंदर ऐड हो रहे हैं। उसी तरह से अब मीडियम भी बहुत सारे हैं और अस्मिता उन मीडियम्स को भी देखते हुए एक चीज़ करेगा। लेकिन इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा चर्चा करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि कुछ लोगों के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो एक्टिंग से लेके कुछ सवाल हैं जो डायरेक्ट आपसे सवाल कर सकें, कर सकते हैं, कोई पूछना चाहेगा तो बता सकता है, कोई कुछ सवाल करना चाहता है। बातचीत के बाद मैंने काफ़ी इधर काफ़ी बड़ा बातें इधर की, यहाँ की काफ़ी की है, तो वह बहुत सारे छोर मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप उस पर सीधे पूछ सकते हैं कि मैंने जो समस्याओं से लेके यहाँ तक की बात की है समाधान तक, और हमने समाधान ढूंढे, समस्या को सिर्फ गिनाया नहीं है, बहुत सारे समस्या गिनाते हैं, ये समस्या जो राजनीति में ज़्यादा होता है, हमने समस्या को हल किया। अगर लगता है ये है तो उसको हल करो। अगर मान ली मैं पानी की समस्या, मैं कुआँ खोदूँगा, लेकिन मैं 10 जगह कुएँ नहीं खोदूँगा, एक जगह कुआँ खोदूँगा। तो ये अपने तो इस तरह के सवालों से हम जूझे हैं और रिजेक्शन से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो किसी कुछ सवाल है, कोई पूछना चाहता है कुछ? जी इधर आ जाओ सामने। हाँ जी, हाँ, कौन सवाल, कोई है, कोई पूछना चाहता है कुछ? मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपने पहले ही बता दी हैं, सब लोग तृप्त हैं। नहीं, फिर भी बहुत सारी बातें हैं तो नहीं लगता है। हाँ, आपको आपकी लग रहा है कि आपको सवाल पूछने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये मैं एक इससे सवाल से संबंधित बात कहना चाहूँगा, चूँकि यहाँ जो यंग पीढ़ी बैठी है और बातचीत और भी लोगों तक जाएगी। सवाल पूछने बंद मत कीजिए, बिल्कुल। इस समाज का विकास हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे आपका विज्ञान में हो, समाज शास्त्र में, नागरिक शास्त्र के अंदर हो, किसी भी जगह पर हो, वो सिर्फ जिस सवालों से हुआ, सवाल व्यक्ति ने खड़े किए और उसका उत्तर तलाश करने के लिए आगे विकास हुआ। दुनिया में लाखों लोगों ने देखा था कि एक सेब ऊपर से नीचे टपकता है, लेकिन एक आदमी ने देखा, उसने कहा क्यों टपक रहा है, पूछा भाई क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, लोगों ने उसका कहा मजाक उड़ाया कि मजाक भाई गिरेगा नीचे, लेकिन अगर वो सवाल नहीं करता तो आज हमारे पास मोबाइल भी नहीं होता, हमारे पास सैटेलाइट्स नहीं होते, आज हम बहुत 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 सारी चीज़ जो हमने वो गुरुत्वाकर्षण के बाद जो हमारी चीज़ें बदली है, कभी नहीं हो पाता, उसी से ही आया है। तो माध्यकर्षण ऐसे एक आदमी जो है ना, पानी नहाते हुए पानी के अंदर टब के अंदर गिरा, पानी नीचे गिर गया और वो सड़क पर नंगा ही भाग लिया, यूरेगा 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 पा लिया मैंने, और वो ये सवाल पाने का नहीं करता, उत्साह नहीं दिखाता, तो हम विज्ञान तरक्की नहीं करता। इसी तरह से तमाम कलाओं के अंदर जब तक हम जो है सवाल नहीं करते हैं, सवाल अक्सर हमारे साथ क्या होता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में भी, आसपास भी हमें जो सवालों से रोका जाता है, यार क्या सवाल कर रहा है, बेकार सवाल कर रहा है, मूर्ख, और हम डरते हैं कि कहीं दूसरा हमारे सवाल का मजाक ना उड़ाए। अरे मजाक, उसे मजाक की परवाह नहीं की, तो विज्ञान को बदल दिया, सारी तरक्की ऐसे ही हुई है। तो अपने से जो बड़े हैं ना, उनसे अपने समय के सवाल करना सीखिए, मैंने किए हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जब पत्रकारिता में था तो उस समय के बड़े पत्रकारों के साथ रहा, अब बड़े पॉलिटिशियन के साथ ही मैंने सीधे सीधे बात की,
तो और नतीजा था जब मैं सीधे बात करता था कई राजनेता देखने आते थे, अरे प्रधानमंत्री तक मेरे नाटक देखने आते थे, मुख्यमंत्री तो आते थे। तो ये मुख्यमंत्री और बहुत सारे लोग, तो अभिषेक को पता है कि वो तो हमारे पत्थर पे बैठ के हमारे नुक्कड़ नाटक देखते थे। तो लेकिन हमें उनको वीआईपी नहीं है, वो हमारे दर्शक हैं बस, हमने उनको वहाँ